नमस्कार अर्गस अपडेट सहित तो पूर्व बुलेटिन रही वर्तमान समय अनेक दमदार खबर ताप नजर पकाइबा। प्रथमे हेडलाइंस, कोटियारे तीनी प्रमुख राजनैतिक दल आंध्र फलक को विरोध करी एकाठी हेले बीजेपी कांग्रेस और बीजेडी। ओडिशा पई सहमति रे आंध्र को करुछंती विरोध, फाटू सिनेरी रे कड़ा सुरक्षा बलय। एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला, तृतीय दिन में क्राइमब्रांच तनाघना, दुई एसीएफ समेत पांच वन कर्मचारी जेरा, सौम्यों रोसिया चली पचराउचरा। भद्रक मिर्जापुर युवती तृष्णा राणी मृत्यु मामला, पुलिस ना आसला संगीन अभियोग, मृत्यु को प्रेम रूप देवाई चेष्टा करुछे पुरुणा बजार पुलिस। सेबड़ अभियुक्त शेख मुस्ताकिन गिरफ्तार, तीन दिन पर किपरी बेल आसला ताकु नहीं प्रश्न। कोरोना रे संक्रमित होती शिशु आग को केते आक्रांत हेबे से नहीं करिहेबनी आकलन, टीकाकरण होइनथिबारु 0-18 वर्ष मध्ये पिला अधिक संक्रमित हेबा आशंका, डीएमईटी सीवीके महांतिंक सूचना। चारिमास परे जगा को देखिला आखि, श्रीमंदिर में महाप्रभु को दर्शन कले श्रीक्षेत्रवासी, वार्ड वारी दर्शन पर स्वतंत्र व्यवस्था, सिंहद्वार में प्रवेश, उत्तर द्वार में प्रस्थान, 23 रु सर्वसाधारण दर्शन। आज पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि, विजयघाट स्थित सदैव अटल परिसर में सार्वजनिक प्रार्थना सभा, श्रद्धांजलि जनाइले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह प्रमुख। अफगानिस्तान रे तालिबान आतंक, देश छाड़िले राष्ट्रपति अशरफ घनी, देशर नुआ मुखिया हो पारंती तालिबान रा मुल्ला अब्दुल घनी बरादर, जातिसंघ डाकला इमरजेंसी मीटिंग। सेबड़े काबुल विमानबंदर रे देश छाड़िबा को लोकंकर प्रबल भीड़। देखो संपूर्ण खबर, कोटियारे तीन राजनैतिक दल कोटिया समेत कोरापुट जिलार 22 खंड गांव पर पड़ोसी आंध्रर नजर, जेकोसी उपाय सब गांव को अख्तियार करने को योजना चलाई आंध्र प्रदेश। आज कोटियारे फलक लगवा को आंध्र योजना करुवा बेले ओडिशा विरोध करुछे, ओडिशार तीन प्रमुख दलर नेता सहमति भितरे कोटिया गस्त करुछंती। कांग्रेस बीजेपी और बीजेडी पक्षर कोटियारे आंध्र को विरोध कर को प्रेस ब्रिफिंग जरिया रे मानवर विधायक सालूर गोटे थर्ड मेसेज पठाई जे आमे कोटिया रे जबरदस्ती पशु एवं सेठी आमे फाउंडेशन स्टोन करिबु, स्कूल खोलिबु, सेठी आमे कल्याण मंडप खोलिबु, सेठी चारा लगेबु, जंगल करिबु एवं विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य करिबु, एमती गोटे ऑफिशियल मेसेज देखिले आ जो हाई डिग्निटरी प्रेजेंट रही बोली से कही। तेणु जोबले एमती थ्रेट मेसेज टी आसला जिलापाल महोदय तंकर जो मजिस्ट्रेट क्षमता अच्छी एटी से 11 जन मजिस्ट्रेट को दायित्व देखते मु निजे अतिरिक्त जिलापाल उपस्थित अच्छी कोटेटा आम एरिया ये रिलेटेड किसी जगह डिस्प्यूट रही कोर्टर विचाराधीन अच्छे सेटा से ये हवा पर्यंत से मैंने आटलिस्ट यही भितर एमती सरकारी मध्यम कि प्रेस विज्ञप्ति मध्यम आमको ललकार कर प्रशासन आम ओडिशा सरकार ललकार कर पशा कथ सुप्रीमकोर्टे मामला विचाराधीन अच्छी तो तेणु सुप्रीमकोर्टर निर्देश अच्छी कि स्टेटस को मेन्टेन कराऊ तो आम पोलाइटली रिक्वेस्ट करूँ कि स्टेटस को मेन्टेन रहा दिंतु आठ एमती धसई पसंद ना। एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलार तदंत जारी रखी क्राइमब्रांच, पारलाखेमुंडे चली तदंत। आज वन विभाग स्वतंत्र एसीएफ कर्मचारी को आज तदंत कर क्राइमब्रांच से पचराउचरा जहाँ सूचना आसी पहुँचुची जे वन विभाग किसी प्रमुख व्यक्ति को आज क्राइमब्रांच तरफ जेरा चली। सौम्यों घर रोसेया मनमत कुंभ को जेरा कर क्राइमब्रांच, क्राइमब्रांच तदंत दायित्व नेबार प्रथम दिन में पूर्व तदंत करुवा अधिकारी आलोचना पर सौम्यों सरकारी बासभवन में दुई घंटा धरी जांच कर गत काली घटना संपर्कित समस्त दस्तावेज को तर्जमा कर क्राइमब्रांच टीम। आज घटना सहित संपृक्त रही किसी व्यक्ति विशेष को पचराउचरा
और जेरा कर संभावना रही पुणी थे प्रथम तदंत करुवा हेतु तदंतर दिग के आड़ गति कर समस्त नजर रही। भद्रक मिर्जापुर युवती तृष्णाराणी मृत्यु मामला पुलिस नाँ आसला संगीन अभियोग। तृष्णाराणी मृत्यु को प्रेम रूप देवाई चेष्टा करोग कर लोके अभोग आसी भद्रक पुणा बजार पुलिस नाँ तृष्णाराणी मोबाइल नी जोर जबरदस्त मोबाइल थी कथा कहवाई पुलिस बाध्य करुवा अभोग आसुचे। एवं प्रश्न उठू असदाचरण सहित मोबाइल थी संपर्क कौन युवती तृष्णाराणी चॉकलेट आणवाई जाता बेले असदाचरण शिकार होते शेख मुस्ताकिन नामक 70 वर्षीय वृद्ध असदाचरण कला हेले तीन दिन में बेल पाईला पुलिस कंप्रोमाइज करने को कहला आय नपाई लोकलज्जा भयर आत्महत्या कले युवती। एवं पुणी बद घर को आसी जा भद्रक एसपी चरण सिंह मीना एवं टीम संतोष जेना आम प्रतिनिधि सीधासलख अच्छा अधिक सूचना पाई। संतोष पुलिस विरोध में तो सांघातिक अभियोग गड़बड़े परिवार लोकों को बाध्य करा जाउछि फोन थिबा कहिबा नै पूरा घटना कहतु जो परिवार लोकों का अभियोग कौन एवं पुलिस विरोध में आसी संगीन अभियोग आसवा पर पुलिस तरफ तदंत को आहुरी त्वरान्वित करा जाइछि ना पुलिस जेभली पूर्व निष्क्रियता प्रकाश करथिला एबे मध्ये निष्क्रिय निश्चय अपूर्व देखु एसपी चरण सिंह मेना एवं तांको टीम एवं लव थ्योरी आकार रे वर्तमान तृष्णाराणी घटना को चापी देवाई चेष्टा कराऊ एक बड़ प्रश्न जितेबले तृष्णाराणी और तांको बापा अभियोग कले पुलिस कहि एफआईआर आधार रे दफा लगला किंतु पुलिस इन्वेस्टिगेशन कौन कहला वास्तविक पुलिस एमती क्यों दफा लगेगा जो कि असदाचरण करेप आटेम कर गोटे व्यक्ति को तीन दिन भितर बेल मिलला एवं बेल मिलला पर एमती कौन घटला तृष्णाराणी शेष आत्महत्या करने बाध्य ये अड़ुआ क्षय भितर अड़ुआ क्षय सूता जिते बड़े न फिटुची या भितर आउरी गोटे थ्योरी आसुची पर लोके कहते झीर जबरदस्त प्रेम संपर्क को ये घटना को टाऊँ ये तमाम प्रसंग उपरे आम आलोचना करवा बीजेपी भद्रक बीजेपी महिला मोर्चा ये प्रसंग को वर्तमान समय सामना को आनी पुलिस पाखे अभियोग तुरंत दोषी को दंड दि जाऊ जो मैंने अभियोग कर लोके धमक चमक दे डरई जहाँफल अपमान सही नपारी गोटे झी आत्महत्या करमती न्याय मिल ये कथार केमती रोकठोक जवाब दिज्व ए कथ को नहीं भद्रक बासिंदा समेत किसी सामाजिक संगठन राजनैतिक दल मैंने वर्तमान प्रश्न उठाई सीधा सड़क महिला मोर्चार टीम आम सहित जोड़ी से सहित आलोचना करवा प्रथम मैडम आपण पाखु जी जे आपण मैंने प्रश्न उठेले आपण मानक पुलिस स्पष्टीकरण देला पूरा तमाम प्रसंग रे पुलिस रो भूमिका को आपण केम देखछन आम पुलिस रो भूमिका को ग्रहण कर पारुनु पुलिस रो कार्यकलाप एमिति होबा दरकार गोटे झियो आत्महत्या कर सरला परे ता घर को जाई मो झीर मोबाइल अच्छी कि ना झीर कई पुरुष बंधु थे कि ना जबरदस्ती प्रेम संपर्क आख्या दे कि प्रेम संपर्क मरीची बोली करना से केस को क्लोज करदे चाहते प्रथम कथा है कि जितेबले फर्स्ट बेल दि जा लोक को 70 वर्षर बुढ़ा बेल्रु आसी सारापर झी आत्महत्या करुचे किंतु से बुढ़ा तो एकाटिया ना ना जी कि झीर आत्महत्या पुलिस गिरफ कला ताकू बेल मिलला ये हूँ अलग कथा किंतु शर्तमूलक जमीन रे आसी व्यक्ति एमती कौन घटेला जो कि बापा माँ व्यथित है झी आत्महत्या कला सी तो घटे ना ना जड़े 70 वर्षर बुढ़ा कौन कर सी घटे ना तार जो पुत्र माने अच्छा से माने धमक धमक चमक दबा मेंटली टॉर्चर करवा यह सब कलापर से झी आत्महत्या कर पुलिस पाखक जितेबाला आम गलु पचारिया ये विषय रे प्रश्न पुलिस कहते कि आम एफआईआर आधार रे से वृद्ध को गिरफ करूँ जहाँ भी किसी से तीन दिन पर बेल मिलगला आमर दायित्व नुहे बेल कौन मिलला कौन ना आम से कथा आप जातु कोर्टे पचारे कि कोर्ट तो जे व्यक्ति नुह ना आम पलू कोर्ट को पचार पुलिस जे व्यक्ति अच्छा आम जीवू पचारे महिला को असदाचरण है गोटे महिला को दुर्व्यवहार है आईन कौन आम एत कमजोर जे कोर्ट बेल दे
जने झियो आत्महत्या करिछि आत्महत्या पछर कारण कोन रहिला काहै कि जने आत्महत्या कला ये प्रश्न जतबेले पुलिस ऊपर को आसा छि पुलिस कहछि मु एफआर आधार रे दफा लगै छि एवं एते ये दफा कमजोर जोठि 3 दिन रे बेल मिलिला एवं तापर आसी गोटे झियो रो परिवार को धमक दिया गला बोली जने आत्महत्या कला जे आपण कोन भाबुछन्ति गोटे गरीब झियो बोली एभली स्थिति घटिला ना आइनटा समस्त पई समान ना भद्रक पुलिस थ्योरी रे किछ अलगा कथा छि एटि भद्रक पुलिस प्रशासन मूलर चुप बसीचे जिते थर भी झील मान नारी उपरे अत्याचार से माने शिकार हो झील मैने नारी मैने भद्रक पुलिस प्रशासन सब बेले चुप बसीचे आज भी से नीरवा दसटा साजिचे हाँ आम मैंने एसपी को भेटी आम को से विभिन्न प्रकार कथा रे हूँ आड़िया को चाहूँगी ए केसटा को जमीती कि झीओ आउ कहा संग माने पर पुरुष सांगरे प्रेम संपर्क थिला बा तार आउ कहा संगरे विभिन्न प्रकार संपर्क रे थिला माने एसपी एटा को बतिया को चाहूँगी कि पब्लिक को कि झीओ रो चरित्र ठीक नथिला स्मिता राणी तृष्णा राणी एमती अनेक झीओं क्षेत्र में एमती अत्याचार होसाचारण हो किंतु आक्यूज खसी आसूँ बेल आसूँ जो कि तृष्णा राणी जीवन गला भद्रक बासिंदा हिसाब से आप न्याय दबी केमती उठेबे पुलिस सेठी मद पछरे धड़ा जोर पछरे गोड़े चली कि गोटे झीओ को अटेम्प्ट टू मर्डर सहित रेप सहित मर्डर कराई किंतु से जगार पुलिस चुपचाप बसुच्छे जमती कि प्रशासन हिसाब से तार किसी जमी दुई दिन पर बेल मिले प्रशासन कौन एत ढिला रखी था जोटा कि तार मैंने कौ दफा लगे जोटा कि बेल ही पाईगला एत जल्दी आ जोटा कि तार पर लोक जो तार पु जो छज अच्छा छज रू तीन चार जन जा जो धमका चमका कराइले तार बाध्य करागला पुलिस एटी जा सी जो एका डखा गला भितर को डखा जाता आई एसी जो भितर को डाकी थे कौन पर डखा जाता से जगार भी किसी उत्तर दिगलानी तापर ताक जो मानने लेडिज गोटे ना कि पीड़िता माँ बापा कई भितर को जा नाले ये जगह आम कौन भावु मैडम जन जो झील ता विरोध में असाचारण है से थाना को अभियोग करा गला से झील पुणी थे आत्महत्या भाई दुस्साहस कहीं कला जी अभियोग कर पारुची ता पाखरे तो बाट थिला तो हटात से आत्महत्या करिची काई के कथा पुलिस बुझुची ना बुझु पुलिस किछ बुझुनी पुलिस जदि बुझु थांता जाई कि त मोबाइल खोजु थांता ना त फोटो खोजु थांता ना त मेसेजेस खोजु थांता पुलिस जदि झियोटा को आत्महत्या बस हां सीए प्रेम संपर्क भी खोजुची ये ठू कौन आम मैंने ओडिशावासी एत मूर्ख आम बुझीपारुनु भद्रकवासी एत मूर्ख आम बुझीपारुनु कि पुलिस ए कथा को गुरुत्वर सहित नौनी पुलिस एक केमी भी करके जेहेतु आम मैंने ए कथा को उठाऊ आपना को आणुचु पुलिस ये सब कौपटे प्रेम जनित मृत्यु ये सब करके केस को क्लोज करदे चाहिए पुलिस दुर्बल एठी जो आई आई सी अच्छा जो आई जो पुलिस स्टेशन से झील कम्प्लेन कर आईआईसी पर पेरेन्ट्स को डाक कंप्रोमाइज करने फोर्स कर एकदा सत ता पेरेंट्स ता मां बापा निजे आमा सामने रे कहछन हम पाखे प्रूफ भी अछि रिकॉर्डिंग भी अछि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग सब किछ हम पाखे अछि बड़ बाबू देखु छथे पुलिस रो बड़ पुलिस रो बड़ बाबू तो कहछन मु देखु छी मु आमे से दिन तांको पाखु भेटिबे को जाइतलु से कहले मु एडिशनल एसपी को देछि सी सब किछ भलो भाबरे तर्जमा त भीतर त जणक जीवन पळेला से तो तदंत तदंत भितर जनक जीवन पळेला से केवल पुलिस प्रशासन स्पेशियली से जो आईआईसी को पाखरे कंप्लेंट करा जाइतला सेही आईआईसी ही दाई तो यथाशीघ्र से पुलिस तदंत के दिग को प्रश्नवाची सृष्टि करश्न कारण गोटे पटे युवती आत्महत्या कर लोकलज्जा भयर तीन दिन पर जो मुख्य अभियुक्त पुलिस छाड़देला घटना पक्षर प्रेम कहानी लिंक खोजा चेष्टा कर पुलिस जहाँ को नहीं तीव्र असंतोष प्रकाश पाई बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जेना आम प्रतिनिधि पूरा अपडेट दे।
आशाप्रवती खबर केसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलार तदंत जारी रखी पुलिस पारलाखेमुंडी चली तदंत आज वन विभाग दुई एसीएफ समेत पांच जन वन कर्मचारी पारलाखेमुंडी पुलिस स्टेशन परिसर में जेरा कर क्राइम ब्रांच ये तमाम चित्र बर्तमान सामना को आसुच्छी एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें बर्तमान तदंत चली सौम्य घर रोसिया मन्मथ कुम को जेरा कर क्राइम ब्रांच तालिबान माने राष्ट्रपति भवन रु अफगानिस्तान उपरे संपूर्ण दखल प्रक्रिया को घोषणा करिबा सहित एवं देशर नाम बदले इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान भावे नामित करिबे बोली सूचना मिली। 20 वर्षर युद्ध परे अफगानिस्तान रु अमेरिकार सैन्य प्रत्याहार मात्र किछि दिन मध्यरे प्राय समग्र देश को निज कब्जा को नेछि तालिबान। तालिबान कब्जा करिबा परे काबुल विमानबंदर रे देश छाड़िबा को लोकंकर प्रबल भिड़ देखबा को मिलिथिला। फायरिंग परे दलाचकटा मध्य आरंभ होइछि। एयरपोर्ट रे होइथिबा ए फाइटिंग रे क्षमा करिए फायरिंग रे लोक माने आहत होइछन्थे। अपरपक्षे अमेरिका काबुल एयरपोर्ट रु 6000 सैनिकों को बाहर को बाहर करबा को प्रस्तुत करछे। सेबडे स्थिति बिगड़ी बारो आज यूएनएससी रो जरूरीकालीन बैठक हेबो बोली मिलिछे सूचना। एपरि परिस्थिति रे भारत रे रहुथबा किछ अफगान स्टूडेंट निज देश को फेरबा पई नुआ दिल्ली रे थिबा अफगान एम्बेसी थारे पहुंचिथिले। वर्तमान सूचना अनुसार एयरपोर्ट रे 5 जन साधारण लोकंकर मृत्यु होइछे। प्लेन रे जीवा समय रे धस्ताधस्ती हुई मृत्यु घटीबा सूचना मिली। निहारिका नंदाम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना पर न्यूज रूम अच्छा निहारिका अफगानिस्तान उपरे वर्तमान समग्र विश्वर नजर प्रति मुहूर्त जो अपडेट आसुची ता एक भयंकर वातावरण चित्र बखाणुची वर्तमान समय अपडेट कौन अफगान को नहीं देखो सबुठारु बड़ अपडेट होउची बर्तन काबुल एयरपोर्ट रे जे प्रकार परिस्थिति सृष्टि होइची सेटा निश्चय भाव रे गोटे भयंकर रूप नौची। वर्तमान जमती आमको अपडेट आसी पांच जनकर ऑलरेडी मृत्यु हो सारे प्रथमे आ पूर्वर से माने चेष्टा करुछंती जे तो आपण अफगान मान कथा कहतु अन्यान्य देशर एम्बेसी रो भी बहुत ऑफिशियल्स थिले समस्ते चेष्टा करुछंती काबुल एयरपोर्ट को जाकि यथाशीघ्र कंट्री को छाड़ीबा पई एग्जिट करिबा पई तेणु ए प्रकार परिस्थिति रे बहुत धस्ताधस्ती सृष्टि होता परिस्थिति आ समस्ते ट्राए करते एरोप्लेन चढ़ापी निश्चय भाव ट्राए करते समय भितर ओपन फायरिंग भी अमेरिकन सोल्जर तरफ होता कारण मिली सूचना अनुसार जे से जितेबाला अफगान रिछ लोक बाहर को चेष्टा करुले से मध्य किसी स्त्री लोक थे जो मैंने कि बुर्खा पिंधि नरकू अफगान कमाण्डो मैंने ओपन फायर करते तार रिटाली बट तार रेस्पोंड करते अमेरिकन सोल्जर मैंने जो मैंने थे एपरी अवस्था जो मैंने चेष्टा करुले एक्जिट करने को से मैंने भी किसी जन मृत्युवरण कर सबुठ बड़ कथा हूँ बर्तमान काबुल एयरपोर्ट परिस्थिति केपर कंट्रोल हम समस्त बड़ विषय ता छड़ा जमी आम अलरेडी कही सारीचे बर्तमान अफगानिस्तान ने कम्प्लीटली कब्जा कलापर से तार ना भी बदलवाई बर्तमान तालिबान मैंने ट्राए करते गोटे नूतन ना देवे से ना इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान करेंगे जहाँ को लेकिन समस्त कंट्री भितर आप नाटो कथा कहतु यूएन समिट कथा कहतु सबुठ बर्तमान भाव में आलोचना चलला बर्तमान समय जमी आप जानते अगस्ट मंथ रे भारत यूएन रोटा कि यूनाइटेड सिक्यूरीटी काउनसिल अध्यक्षतार अच्छी अल्प किसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री निजे वर्चुअल मोड रे अध्यक्षता करते तो वर्तमान अफगानिस्तान इश्यू को लेकिन जरूरी कालीन मीटिंग डका सरी यूएन तरफ निश्चित भाव में आशा करवा भारत तरफ जो बैठक हम जरूरी बैठक एध्यक्षता करते प्रधानमंत्री व निश्चय भाव में भारत यार नेतृत्व नब तो आग को जाए अफगानिस्तान परिस्थिति कौन होपरिक बर्तमान जना पड़ी समस्त एम्बेसी जहाँ थी यूएन एम्बेसी कथा कहतु जर्मन एम्बेसी कथा कहतु डेनमार्क एम्बेसी कथा कहतु समस्ते क्लोज कर सारे एम्बेसी विशेष भाव में यूएसए कथा कहतु जो बर्तमान समय जहाँ अपडेट आसी यूएस एम्बेसी फ्लाग को डाउन करा सरला मोस्टली समस्ते एक्जिट करने को ट्राए कर सब दुखदायक परिस्थिति होची जो अफगानिस्तान लोक मैंने जो मैंने ट्राप हो सारी से जो 20 वर्ष पर जो दुखद परिस्थिति बर्तमान देखा मिलूँ जमीक आम जाने बर्तमान दिल्ली में किसी अफगान स्टूडेंट भी थे से बर्तमान कह गले बहुत व्यस्त हो पड़ते निजर देश फेर को चाहते परिस्थिति देशर 20 वर्ष पर जो प्रकार से अलरेडी अफगानिस्तान जो अच्छा जो मैंने लोक मैंने साधारण लोक मैंने सूचना दौरान जे बर्तमान कंट्री कह
2000 ପୂର୍ବକୁ ଫେରିଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏକ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓକେ ନିହାରିକା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯେଭଳି ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକାଲରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବିମାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ୁଥିବାର ସେଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାର ମଜା ଉଠାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ସେତିକିବେଳେ ଏମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆକଳନ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନୀ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏମିତି ବହୁତ ଆଫଗାନୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ 2000 ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶରଫ ଘାନି ଶାସନକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳିଥିଲା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଥିଲା, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ହେବ, ତାଲିବାନୀମାନେ ପଶିଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର କେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଶକୁ କେବଳ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶରଣ ପଶିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠାରୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଲିବାନ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବା କିଛି ହେଇପାରେ, ଯାହାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ୟୁଏନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏମିରେଟ୍ସ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ରୁଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାନଙ୍କୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘନି ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ, ଏବଂ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଝିଞ୍ଝଟରେ ପଶି ତାଲିବାନକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନ ସରକାର, ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଯଦି କହିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶାସନ କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେଠି ମୁତୟନ ଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ର ବହୁତ ୱିପନ୍ସ ବି ଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲେ ତାଲିବାନୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା'ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିଁ କିଛି କହିପାରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯାହା ବି ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ସୂଚନା ନ ଆସିଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘନିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମେରିକା ତା'ର ସୈନ୍ୟ ଫେରେଇ ନେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କିଛି ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଆଫଗାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଯେ ବାଇଡେନ୍ ସରକାର ଏ ନେଇ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆକୁ ନେଇକି ଅଲରେଡି ଦୋଷାରୋପ କରିସାରିଲେଣି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ତ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆ ଭିତରେ ଭାରତର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ବା ଭାରତ ତରଫରୁ କ'ଣ ରହିବ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଓକେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାରିକା ନନ୍ଦ, ମୋ ସହଯୋଗୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସ୍ଥିତି ବିପଜ୍ଜନକ ଭୟଙ୍କର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଲିବାନୀ ସମଗ୍ର ଆଫଗାନକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ, କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବା ମାନବ ସମାଜକୁ ବିପଦ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲୁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ, ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କରେ ଅସ୍ଥିର କାବୁଲ, ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଚିନ୍ତା ସେଠାରୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ନାଜଦାନଙ୍କ ଭଳି କୁନି ଝିଅଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଇଛି। ସେପଟେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ତଥାକଥିତ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ନାଜଦାନା ପରି କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନବିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଏ କୁନି ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ବର୍ଷର ଏହି କୁନି ଝିଅର ନାଁ ନାଜଦାନା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାନ୍ଦାହାରରେ ତାର ଘର। କିଛିଦିନ ତଳେ ମିଡିଆ କର୍ମୀମାନେ ଏହି କୁନି ଝିଅକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କୁନି ଝିଅଟି କହିଥିଲା, ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାଲିବାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ କବ୍ଜା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ନାଜଦାନର ପରିବାର ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କ କାରଣରୁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି କାବୁଲ ନିକଟରେ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସରିଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ,
राजदाना भली कुनी कुनी झियो मानंकु आउ पाठ पढ़िबार सुजोग मिलिबो नाही। सेमाने घर भितरे आबद्ध होइ रहिबा ओ कला बुर्खा पिंधिबा पाई बाध्य हेबे। राजदाना भली कुनी झियोर डाक्टर हेबार स्वप्न स्वप्नरे ही रहिजिबो। तालिबान माने अफगानिस्तान रे किछि दिन तले जणे हास्य कलाकारंकु हत्या करिथिले कारण से सरिया विरोधी काम करुथिले। सेठारे सेमाने अफगानी महिला मानंकु सेक्स स्लेव करिबा पाई मध्य निर्देश जारी करि छारिछंती। तथापि केही महिला अधिकारर झंडा धरिथिबा ओ मानव अधिकारर कथा कहुथिबा संगठन ए विषयरे किछि प्रतिक्रिया दैथिबा आपण सुनिछंती कि आपण मानंकर किछि दिन तलर घटना मनेथिबो। पालेस्टाइनर हमास आतंकवादी संगठन इज्राएल उपरे आक्रमण करिथिला। यार जवाब रे इज्राएल सेना आतंकवादी मानंक ठिकणा उपरे बोमा वर्षण करिथिला। सेतेबेले देशरे विभिन्न मानवाधिकार कम्युनिस्ट ओ इस्लामी संगठन माने एहा विरोधरे रास्ता कोल्हाइथिले। सेमाने सेफ पालेस्टाइन सेफ गाजा ठारु आरंभ करी सेफ इस्लाम जाय स्लोगान लेखाथिबा ब्यानर धरी विरोध प्रदर्शन करुथिले। समस्ते मानविकतार कथा कहुथिले। कुनी कुनी पिला ओ महिला मानंकर फोटो ओ वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल करा जाउथला। हेले वर्तमान अफगानिस्तान रे तालिबान जहा करुछि ताकू नै सेतेबेले रास्ता कोल्हाइथिबा एही तथा कथित मानव अधिकार संगठन गुडीकर मुहरे काहीकि ताला पड़ी जाइछि। तालिबान रो परपरता सामना को आसीबा परे सही संगठन गुड़िक बोध हुए कंबल घोड़े हुई सोई पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समस्त अर्गस अपडेट को ये रखु मत विदाय दिंतु। नमस्कार।